देखिए, अगर आपके पास एप्पल का कोई सा भी फोन है, आईफोन का कोई सा भी मॉडल है, और आपको यहाँ पर आपके फेस आईडी में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर लिखकर आ रहा है अ प्रॉब्लम वाज डिटेक्टेड विद अ ट्रू डेप्थ कैमरा, फेस आईडी हैज बीन डिसेबल्ड, तो यहाँ पर बेसिकली फेस आईडी आपकी डिसेबल हो गई है, ऐसा लिखकर आ रहा है। तो इसे सही कैसे करें, यहाँ पर बहुत से रास्ते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आप उसे अप्लाई करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मेरी बात ध्यान से सुन लेना है। अगर आपका फोन कहीं पर गिरा है, कहीं से फॉल हुआ है, गिरा है, या फिर अगर आपका फोन कहीं ज्यादा देर तक पानी के अंदर था, कुछ देर तक नहीं मतलब ज्यादा देर तक पानी के अंदर था, या आपका फोन खुला होगा कभी और पानी में चला गया है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर उसी वजह से आती है। ज्यादातर प्रॉब्लम गिरने से या पानी चला जाए फोन में, जिसकी वजह से आपकी फेस आईडी खराब हो जाती है। बट अगर ये रीजन नहीं है तो कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से होती है ये प्रॉब्लम। देखिए, कोई बग होगा सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ पर पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ, पानी वाला और गिरने वाला वालों का सलूशन एंड में बताऊंगा। तो पहले अगर कोई बग है तो यहाँ पर उसे कैसे सॉल्व करें इजीली, उससे सही हो जाती है फेस आईडी। सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल में चले जाना है और एकदम नीचे यहाँ पर आना है और यहाँ पर ट्रांसफर और रीसेट आईफोन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार रीसेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से रीसेट पे क्लिक करिए और रीसेट कर दीजिए, और आप देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको सेम मेथड क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहीं पे जनरल में आना है और वापस से आप यहाँ पे जाइए। उससे नहीं होती है तो आप फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दीजिए, इरेज ऑल डेटा। तो कोई भी बग होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो डेफिनेटली इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो एक और तरीका है, अगर आप कोई ऐसे आपको लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें प्रॉब्लम है, तो आप फर्दर एक आगे का सॉफ्टवेयर मतलब इसे अपडेट कर लीजिए। तो आप सिंपली अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, आपको आता ही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर लिखना है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट ये दिख जाएगा, तो इसको आपको ओपन करके यहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट चेक कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अप टू डेट है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इससे भी प्रॉब्लम सही नहीं होती है तो इसमें हार्डवेयर इश्यू है। तो जो आपकी फेस आईडी होती है, बेसिकली उसमें पानी चला जाए या वो गिर जाए कहीं पे फ़ोन, तो ख़राब होती है। तो देखिए, आप अपने हाथ से आईफोन की हार्डवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक्सपर्ट सॉल्यूशन चाहिए, एक्सपर्ट केयर चाहिए, तो आपको इसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है। तो बेसिकली इसे सही करने के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना है और वो आपसे प्राइस लेंगे करीब 3 से 3,500 फेस आईडी के लिए। ठीक है, 3 से 3,500 फेस आईडी के लिए लेंगे। आप चाहे तो आप उनसे बात कर सकते हैं, गूगल में एप्पल केयर का नंबर टाइप कीजिए, ढूंढिए सफारी में डाल के, गूगल में डाल के देखिए नंबर है, वो आपको बताएंगे कितने प्राइस में ये बनेगा। पानी की वजह से भी खराब हुआ तो भी, और गिरने से खराब हुआ तो भी, तो आप उनसे कॉल करके पूछिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कुछ पूछना है तो कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।